जैसे आज भी आप अपने एड्रेसेस को कैसे पहचान लेते हैं, आप जाते हैं ब्रेन में स्टोर्ड है तो पहचान लेते हैं, ऐसे ही सेक्शन 3 खुलता है तब आपके डीप मेमोरी पूल्स खुलते हैं, कई जन्मों के मेमोरी पूल्स खुलते हैं, तब आप जानेंगे। अगर आपने इसको कॉन्शियसली खोला तब आपको सचमुच में कॉज एंड इफेक्ट समझ में आएगा। उसके बाद आप कोई बुरा कर नहीं सकते क्योंकि आपको हर एक्टिविटी का रिजल्ट दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन्योगा चैलेंज 2023 में। हम लोग पढ़ रहे हैं द 5 गॉस्पल्स, गॉस्पल नंबर 4, शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम रोज़ अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करते हैं फिजिकल बॉडी से मॉलिकुलर बॉडी में, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में, इस दुनिया से सपने की दुनिया में। ये रोज़ अपने आप होता है, फिर हम वापस आ जाते हैं। अगर हम इसको कॉन्शियसली कर सकें तो क्या होगा? जब हम सेक्शन 1 मतलब फिजिकल ब्रेन से IESM से इंटेलिजेंस इमोशन और हमारी हैबिट से जब अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करके सेक्शन 2 पे 3 पे और 4 पे ले जाएंगे, इसी को कहते हैं रियल एवोल्यूशन, सचमुच का विकास। अगर आप ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं तब भी आप इस फिजिकल बॉडी के साथ बंधे रहेंगे, इसलिए वो एवोल्यूशन नहीं है। अगर आप खूब पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं, नेता बन जाते हैं, सोशल रिफॉर्मर बन जाते हैं, पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तब भी आप फिजिकल वर्ल्ड के ही बाशिंदे रहेंगे, आप इससे फ्री नहीं होंगे, इसलिए वो एवोल्यूशन नहीं है। सच्चा एवोल्यूशन है शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम सेक्शन 1 to 2 to 3 to 4। ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान केवल शब्दों को इकट्ठा करना नहीं है, या आपने ढेर सारा नॉलेज जो आपके ब्रेन में स्टोर्ड है कई सालों से या कई जन्मों से, वो भी नहीं है। आप कोई वर्ड बोलते हैं या कोई आदमी मिस्टिकली कुछ चीज़ जान सकता है, वो भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे प्रोग्रेस करना है, अपने आप को सेक्शन 1 से 2 से 2 से 3 3 to 4 पहुंचना है, और कैसे होगा? हर रोज़ करेक्टिव मेथड एंड 3-स्टेप ब्रीदिंग। हर रोज़ देखा, जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं भूल जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। बहुत से किताबें ऐसी कहती हैं कि दुनिया में अंत होने वाला है, डूम्स डे आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया इवॉल्व हो रही है, हम भी इसी में अपने आप को या तो कॉन्शियसली इवॉल्व करें या बहुत धीरे धीरे इवॉल्व करने वाले हैं। इवोल्यूशन मतलब बढ़ना नहीं, सेक्शन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे जाना, वो है इवॉल्व होना। अब तक का जो मीनिंग था कि मैं गरीब हूँ अमीर हो जाऊँ, ये एवोल्यूशन है। मैं अकेला हूँ परिवार हो जाए, ये एवोल्यूशन है। उस मीनिंग को हटाकर अपने आप को ये बताइए कि कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होना, जैसे मैं मम्मी से बता रहा था कि गौरी का कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया, क्योंकि जब आपने ये कहा ना, आपने भले गुस्से में कहा कि बाबू भैया तो मुझे वहाँ पर बाहर जाने को देते थे, यहाँ तो मुझे बाहर नहीं जाने देता था, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बदली आपकी। मैं चाहता हूँ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बदलनी चाहिए हमारा, कि हमारा कॉन्शियसनेस का परमानेंट शिफ्ट होना चाहिए। तो अब से अपने आप को बताइए एवोल्यूशन मतलब नॉट जस्ट मेकिंग अ बॉडी और लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट, एवोल्यूशन मतलब इवॉल्विंग फ्रॉम सेक्शन 1 to 2 to 3 to 4, ये है एवोल्यूशन, सेक्शन 1 से 4 तक पहुंचना। और यही ब्रह्मांड का भी प्रोसेस चल रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड भी इवॉल्व ऐसे ही कर रहा है, सेक्शन 1 से धरती 1 से लेकर के 4 पे पहुंच रही है। अब सुनिए, बहुत बार मन में गुस्से में या कन्फ्यूजन में एक थॉट आएगा कि ये सब करने से मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगी, मेरा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगा, केवल करेक्टिव मेथड्स करने से, 3-स्टेप करने से ऐसा हो जाएगा। नहीं, उसकी वजह से नहीं होगा। ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये सब ऑब्स्टिकल्स को हटाती है। कॉन्शियसनेस जब शिफ्ट करने की कोशिश करता है तो उसके बीच में ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि ये बॉडी फिजिकल वर्ल्ड के लिए बनी है। जो कॉन्शियसनेस इस बॉडी में रहेगी वो कॉन्शियसनेस अपने आप सेक्स और खाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए ही है, लेकिन आप वो कॉन्शियसनेस हैं जिसको शिफ्ट होना है। तो जैसे ही ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे आपको मिलेंगे ऑब्स्टिकल्स। जैसे हमारे घर में आप हैं, अब आप इससे अलग होना चाहती हैं तो ऑब्स्टिकल है। आप कहीं किसी कल्चर का पार्ट हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आप मिसबिहेव करें स्कूल के हिसाब से, आप बाहर निकलने की कोशिश करें, टाइम पास करने की कोशिश करें, तो उस ऑब्स्टिकल है, तो आपको दिक्कत होगी। जहाँ कहीं पर भी आप नॉर्मल ग्रुप का हिस्सा हैं, आप फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है, फिजिकल वर्ल्ड को कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप फ्री होना चाहेंगे आपको ऑब्स्टिकल मिलेंगे। तो उन ऑब्स्टिकल को बाईपास करने के लिए, हटाने के लिए ये सारी डिसिप्लिन और प्रैक्टिसेस हैं।
ये बड़ा मजेदार है कि हमारा ब्रेन और बॉडी में फिजिकल वर्ल्ड के लिए बना है, लेकिन इसी में एक पतला सा तरीका है जनोगा या योगा, वो पतला सा तरीका है जिसमें आप फ्री भी हो सकते हैं इसी ब्रेन में, और जब वो आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपके ब्रेन के सेक्शन 2, 3 और 4 डेवलप होंगे। अब ये बड़ी अजीब है, हम लोगों को तो इसको सोचते हुए भी मुश्किल होगी कि हम सब के अंदर में एक एहसास है कि मैं हूँ, मैं ये बॉडी हूँ। ये एहसास गायब हो जाता है रात को, सपने में फिर आ जाता है, फिर डीप स्लीप में गायब हो जाता है। लेकिन ये एहसास आता क्यों है? हम लोगों को तो ये लगता है कि है ही हम, तो एहसास में क्या गड़बड़ी है? मैं ये बॉडी हूँ या मैं हूँ? लेकिन जब गहरी नींद में ये नोशन कि मैं हूँ, आई एम नोशन, ये गायब होता है तो कभी सवाल उठता है मैं कहाँ, वो नोशन कहाँ चला गया? डीप स्लीप में हमको अपने होने का एहसास नहीं होता, जब जगते हैं तब लगता है हाँ सब कुछ तो मैं हूँ। इसलिए रमण महर्षि बोला करते थे, अपने आप से पूछो हु एम आई, हु एम आई। सोते समय जब तुम अपने आप से पूछोगे तो जगते हुए जैसे ही वो आइडिया इस बॉडी के अंदर फैलता है कि ये मैं बॉडी हूँ, आप उसको पकड़ पाओगे और ये फैल नहीं पाएगा इस बॉडी में, आप इस जगते हुए भी इस बॉडी से फ्री हो जाओगे। ये बॉडी की वजह से और हमारे मेनली हमारे सेक्शन 1 में इंटरप्ले की वजह से इमोशन, इंटेलिजेंस और हैबिट की जब लड़ाई होती है, ये चीज़ मेरा हक है मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये हमारा मुंह है। ठीक है, मुंह का हक है कि आप उस मुंह में कुछ डालें तो आप उसको टेस्ट करें, जीभ का हक है, छाला आ गया तुम्हारे हक की ऐसी की तैसी, गले में टॉन्सिल्स हो गया पानी पी के दिखा लो तुम, तुम्हारा हक। ये बॉडी की भी अपना आई एम नोशन नहीं है, ये बॉडी भी अलग अलग ऑर्गन्स का एक इंटीग्रेशन है, लेकिन हमारे माइंड में आई एम नोशन है कि मैं ये बॉडी हूँ, और ये है हमारा सरफेस कॉन्शियसनेस। जब हम सबसे बेहोश होते हैं तब मन में आता है कि मैं कुछ हूँ, एक्चुअल स्टेट हमारा है वो वाला गहरी नींद में जिसमें हम किसी बॉडी को एक्सपीरियंस नहीं करते, कंप्लीट स्पेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, हम जो है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, और वो एक है। अभी तो हम बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं, बस बॉडी के अंदर में अपने आप को जो एक्सपीरियंस करते हैं वो इस कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा पॉइंट है। ऐसे आप ये हाथ है, बड़ा मुश्किल होगा इस हाथ को एक्सपीरियंस करने में, आप अगर मैं आँख बंद बोलूँ आँख बंद करके इस हाथ को एक्सपीरियंस करिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसी में आप एक स्विच भो दीजिए कोने पर, आप उस पॉइंट को आराम से एक्सपीरियंस कर लेंगे। हम वही सुई है इस कॉन्शियसनेस में, जो सेक्शन 1, 2, 3, 4 का पार्ट है उसी का हम एक बॉडी के रूप में एक छोटी सी सुई है, पेन है। मैंने कहा ना एक पूरा बड़ा सा कॉन्शियसनेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट हम एक्सपीरियंस करते हैं, फिर जब सेक्शन 2 भी डेवलप होता है तो कोई और पार्ट एक्सपीरियंस करते हैं, सेक्शन 3 डेवलप होता है तो अलग कोई और पार्ट। ये सब चीज़ ना हो अभी भी नॉर्मली भी इतनी वेरीड फॉर्म्स को एक्सपीरियंस करते हैं कि हमको लगता है कैसे यार, कल तो मैं अजीब दूसरा ही आदमी था जब गुस्सा करा था, आज मैं प्यार में हूँ तो अलग आदमी हूँ। और हर एक फॉर्म की एक अलग लाइन है, जैसे अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो अलग तरीके से सोचूंगा, अगर गुस्से में हूँ तो अलग तरीके से सोचूंगा, और सोचता रहूँगा मैं तुमको अपनी विल से निकाल रहा हूँ, आज से तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। ये सब एक सीरीज चल रही है थॉट्स की, ये सब हमारे माइंड के अलग अलग जगहों पर फंसने की वजह से। मैं रिम्पी को बता रहा था आज कि बच्चे अगर परेशान हैं तो गड्ढे में गिर गए हैं, वो ऐसा सोच नहीं रहे, वो गिर गए हैं, और कहाँ से गिरे उनको पता भी नहीं, किस चीज़ से गिर गए, धक्का करके धक्का खाया और नीचे गड्ढे में गिर गए और उस गड्ढे में से निकल नहीं पा रहे, और फिर बच्चे हम लोगों को भी गिरा दे रहे हैं, हम भी गुस्से में गिर गए, निकल नहीं पा रहे हम लोग। इसलिए 3 स्टेप करिए और उसमें से निकलिए। अब सुनिए, ये कॉन्शियसनेस अलग अलग रूपों के साथ बंधी होती है, जैसे फिजिकल बॉडी के साथ, सेक्शन 2 बी के साथ, सेक्शन 3 के साथ, जब आप चमत्कार कर पाएंगे, लेकिन ये तीनों उधार के हैं, उधार समझते हैं, किसी का लिया हुआ है। हाँ, आप बड़े से बड़े चमत्कार कर लीजिए, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस धरती पे अपने परिवार के साथ पूरा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो सब लेटेंट कर्मा के साथ बंधा हुआ है। लेटेंट कर्मा मतलब उधार, आपको वापस करना पड़ेगा, जो भी करोगे वो रिपीट खेलते रहना पड़ेगा,
जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे, तो चलो पापा हमारे साथ गेम खेलो, तुमने मुझे हराया तुम भी हारो, जब तक तुम नहीं हारोगे तब तक हम खेलते रहेंगे, साइकिल चलती रहती है। लेकिन सेक्शन फोर के साथ अगर आप पहुंच गए और वहां से कर्म करते हैं तो उसका कोई लेटेंट कर्मा नहीं है, वो मालिक है। जो आदमी पूरी तरह से लिबरेटेड है, आज़ाद है, उसकी एक्टिविटीज़ सेक्शन वन के इंटरप्ले से फ्री है, उसको सोचना नहीं पड़ता यार, उसको हर चीज़ पता होती है, उसको कन्फ्यूजन नहीं होती, उसको पता होता है कल क्या होगा, कल क्या क्यों हुआ, उसको कोई टेंशन नहीं होती। सेक्शन फोर के बंदे के लिए जो आदमी पूरी तरह से फ्री है, सेक्शन फोर वाला है। इसीलिए सेक्शन फोर पे जब तक आप पहुंचते नहीं है तब तक आराम मत करिए। और उसके अलावा बाकी सब लोग तीन तरह के होते हैं। सबसे नीचे होता है सेक्शन वन वाला आदमी, वो बेचारा अपने सेंशुअल प्लेजर्स में घूमता रहता है। अगर वो एंजॉय, अगर वो शरीफ आदमी भी होता है तब भी परेशान होता है, उसको लगता है मैं शरीफ हूँ और मेरे को एंजॉयमेंट क्यों नहीं मिल रही है, भगवान शरीफों के साथ ऐसा क्यों बुरा बुरा करते हैं, क्योंकि उसको भी एंजॉय करना है। सेक्शन टू वाला सोचता है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, डीप मेडिटेशन, अब तो मैं फ्री, लेकिन फिर भी उसके कर्म उसको बांधते रहते हैं। और सेक्शन थ्री वाले को लगता है मैं तो भगवान हूँ, मैं तो चमत्कार कर सकता हूँ, लेकिन उसको भी वो लाइफ बांधती रहती है। तीन तरह के कर्म निकलते हैं हमारे ब्रेन में से, आई सेंटर का अलग कर्म, ई सेंटर का अलग, एस सेंटर का अलग। अब सुनिए, आई का अलग, ई का और एस का अलग। एस क्या है? सेक्स सेंसुओ वाइटैलिटी, फोर्स विदाउट इंटेलिजेंस। इसीलिए हम जब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, फोर्स तो बहुत होता है लेकिन कहीं आगे बढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, पता है कहाँ? तकलीफ की तरफ, परेशानी की तरफ और कंफ्यूजन की तरफ। जैसे एक आदमी है, उसको नीचे उतरना है, तो उसने सोचा चलो पहाड़ी से कूद जाता हूँ, ये हेलीकॉप्टर से कूद जाता हूँ, तो नीचे तो उतरेगा लेकिन उसके बाद वो कहीं और नहीं जा पाएगा। ऐसे ही जब हम एस सेंटर की एक्टिविटी को पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं तो नीचे गिरते रहते हैं, गिरते रहते, गिरते रहते। फोर्स बहुत है लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है, ये तो है एस सेंटर की एक्टिविटी। ई सेंटर की एक्टिविटी क्या है? खूब इमोशंस को एंजॉय करना या इमोशंस में परेशान होना, लेकिन उसी की हैबिट पड़ती जाती है, बार बार उसी को रिपीट करने का मन करता है। ये तो हो गया ई और एस का कर्म। आई का कर्म क्या है? आई का कर्म है आसपास की चीज़ों को देखना, समझना, और समझने का मतलब है फ्री होना, वही रास्ते खोलता है फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ों को कर पाने का, प्लस इससे फ्री हो पाने का। इसलिए तीन टाइप के कर्म हैं, एक फ्री होने का आई सेंटर का, एक इमोशन का एंजॉय करते रहने का लेकिन उसकी आदत पड़ने का और बाद में फ्रस्ट्रेशन का, और एक तो भाई एक्सीडेंट्स का एस सेंटर का। तीन टाइप के कर्म। इसलिए जब आप कोई कर्म कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि आप उस एक्टिविटी के बाद कैसा फील कर रहे हैं, फ्री, परेशान या टायर्ड। टायर्ड होते जब हम इमोशंस में घुसते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, खूब दुखी होते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, वो ई सेंटर है। जब हम एस सेंटर की एक्टिविटी करते हैं तो हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, गिल्ट से भरे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और जब आई सेंटर के कर्म करते हैं तो अपने को पीस मिलती है, फ्रीडम महसूस होता है, दिखता है आगे क्या होगा, क्योंकि जो आप एक्टिविटी करेंगे उसी का फल निकल के आएगा। आई का काम करेंगे तो आई का फल निकल के आएगा। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब ये टेबल पे वो तुमको बोला था ना कि दीदी थ्री स्टेप करो, थ्री स्टेप करो, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि कम से कम आई में है। और इसलिए मैं आज शाम को जब आप आई थी, मैंने आपसे क्या कहा, बड़ी मम्मी अपने ई सेंटर से बोल रही थी, माँ बाप ये हैं, माँ बाप वो हैं, लेकिन मैं आपको बोला था नहीं, आई सेंटर में जाओगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जुनुगा बोल रही है दिस इज़ वर्थ अ सीरियस स्टडी, और लंबा सूत्र है, इसको बहुत सीरियसली समझना होगा। जो हम जिंदगी में पाते हैं, जो हमारे साथ होता है, चाहे अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, उसको बोलते हैं कार्मिक इफेक्ट। और उसका पता नहीं अजीबोगरीब कनेक्शन है किसी किसी मेमोरी से। जैसे परेशान हुए, बेंगलोर में परेशान हुए और बोलेंगे इस लड़की ने मुझे परेशान किया, उनको एक जिंदगी ने झटका दिया, झटका दिया। हो सकता है किसी इंसिडेंस ने जो कि दो जन्म पहले हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम लोग आज किसी चीज में परेशान हैं और हमको लगेगा कि ये लड़के ने मुझे परेशान किया, लेकिन उसका टाइम और स्पेस के बियॉन्ड, मतलब कुछ जन्म पहले, उस मेमोरी के साथ इसका कनेक्शन है।
कहने का मतलब ये है, आज जो आप झेल रहे हैं अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, उसका कनेक्शन कई जन्मों पहले से है। क्योंकि हमको, हमारा दिमाग कहेगा कैसे कई जन्मों पहले, मैं क्या प्रूफ है कई जन्म है। आप 200 साल पहले दूसरी जगह पर, दूसरे प्लैनेट पर पता नहीं क्या किए हैं, उसका आज के सर के साथ क्या रिलेशनशिप है। बट देयर इज, ये चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब आपका सेक्शन 3 खुलेगा। जैसे आज भी आप अपने एड्रेसेस को कैसे पहचान लेते हैं, आप जाते हैं ब्रेन में स्टोर्ड है तो पहचान लेते हैं, ऐसे ही सेक्शन 3 खुलता है तब आपके डीप मेमोरी पूल्स खुलते हैं, कई जन्मों के मेमोरी पूल्स खुलते हैं, तब आप जानेंगे। अगर आपने इसको कॉन्शियसली खोला तब आपको सचमुच में कॉज एंड इफेक्ट समझ में आएगा। उसके बाद आप कोई बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि आपको हर एक्टिविटी का रिजल्ट दिखाई देता है। एक बुद्ध जैसा इंसान हमेशा सोच समझ के बोलता है, सोच समझ के चलता है, सोच समझ के सोता है, सोच समझ के खाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट समझ गया है। जब आपके मेमोरी रिकॉर्ड्स खुलते हैं उसके बाद वो आदमी अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में पाता है, लेकिन फिर भी हर परिस्थिति में उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है। क्या चीज़? लॉज ऑफ कर्मा, कर्म कैसे काम करते हैं। ये ठीक ऐसे होता है जैसे किसी आदमी के पास GPS आ गया है। उसके पहले वो चलता था जंगल में, रेगिस्तान में या समंदर में बिना किसी रास्ते के भटक रहा है, और उसके बाद उसको खट करके रास्ता मिल गया। कर्म, लॉज ऑफ कर्म मतलब रास्ता। इस कंफ्यूजन से फ्रीडम का रास्ता, मिजरी से जॉय का रास्ता। इसीलिए इसको कह रहे हैं दिस इज़ वर्थ अ सीरियस स्टडी। सेक्शन 3 खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 4 तक पहुंचना एवोल्यूशन है। ठीक है।